बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रावण वध कार्यक्रम में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और मंच से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। उनके साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी भी रावण वध कार्यक्रम में पटना के गांधी मैदान पहुंचे हैं और मंच पर उपस्थित राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार सरकार के तमाम वह मंत्री जो है वह यहां पहुंचे हैं और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अब से थोड़े ही देर बाद जो है रावण दहन का, रावण वध कार्यक्रम का शुरुआत होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा और गुब्बारे छोड़कर जो है उद्घाटन किया जाएगा, दीप प्रज्वलित करके जो है वह यहां पर विधिवत रूप से स्वागत उद्घाटन किया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे हैं, जो दशहरा कमेटी ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं कमल रूपानी उनसे ले रहे हैं और उसके बाद उद्घाटन अब से थोड़े ही देर में बस शुरू होगा। आपको बताते चले कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लाखों लाख की संख्या में जो भीड़ है वो पहुंच चुकी है और रावण वध कार्यक्रम को देखने के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीर हम दिखा रहे हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से, जहाँ ये तस्वीर सीधे दिखा रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ पहुँचे हैं वो लोग यहाँ पर रावण का जो वध होगा, जो दहन होगा उसको लेकर पहुँचे हैं। देखिए खचाखच जो भीड़ है वह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अब से थोड़े ही देर में जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा और देखिए तमाम जो लोग हैं वह मंच पर खड़े हो गए हैं और कार्यक्रम का विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाएगा। बिहार के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वो भी पहुंच चुके हैं और अब जो है इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गुब्बारे छोड़कर और दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। तो तमाम अतिथिगण जो हैं वह मंच पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़े ही देर में रावण वध कार्यक्रम शुरू होगा।
नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा। जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूनिया बिहार पैनोरिमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरिमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरिमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना।